अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इंफॉर्मेशन ऑफ बजीद वर्ल्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट पाट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो जेब्रा फिंच के ऊपर है। मेरे जो माशाल्लाह से जेब्रा फिंच की ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो मैं आज आपको दिखाऊँगा। काफ़ी मेरे पास कमेंट आई थे जो मैंने इससे पहले, जो कल मैंने वीडियो अपलोड की, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि दोस्तों के कि भाई आप यू इस पर फिंचेस की वीडियो भी अपलोड कर दें। तो फ्रेंड्स, आज फिंचों की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे अब मौसम चेंज होता जा रहा है कि सर्दी आ रही है, तो इंशाल्लाह इनकी बीमारियों पर भी वीडियो बनाएंगे, इनकी कॉमन बीमारियाँ कौन सी है, तो फ्रेंड्स इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। फ्रेंड, माशाल्लाह से मेरी जो जेब्रा फिंचों ने, ये सामने जो मटकी लगी है इसमें भी, इसके ऊपर जो नेस्ट नज़र आ रहा है, ये आगे फिंचें बैठी हैं, अगर शायद नहीं नज़र आ रहा होगा आपको, इसके अंदर भी एग हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि दूसरा जो है, दूसरी तरफ भी एग हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कोशिश करके। तो सामने भी एग हैं, तीन बच्चे बाहर निकल आए हैं, एक तो काफ़ी बड़ा हो गया, ये सामने ही बैठा है, ये सामने जो बैठा ये बच्चा ही है, ये सामने स्टिक पे जो है ये माशाल्लाह से बड़ा हो गया। दो और निकले हुए हैं और बाकी मेरे पास तीन पेयर हैं, तो दो ने माशाल्लाह से एक दिए हुए हैं, एक दोबारा से ब्रीड पर आ जाएगा क्योंकि उनके बच्चे अभी निकले हैं, तकरीबन 10 से 15 दिन हुए हैं। मैं ये आपको चेक कराता हूँ बाकियों की प्रोग्रेस भी, ये देखें। मैं अब कोशिश करके मैं आज आपको क्या कहते हैं इनकी जो बेबी हैं फिंचेस के वो दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आप अपने बर्ड्स की अच्छी केयर करेंगे तो आपके बर्ड्स जो हैं वो बीमारियों से दूर रहेंगे। वो आपके ऊपर है, आप अपने बर्ड की जो केयर है वो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी दिखाता हूँ इनके बेबीज, ये देखें फ्रेंड्स। नंबर वन बेबी, ये जो ब्लैक चौंच वाला है, ये इसका बेबी है। एक ये सामने बैठा है फ्रेंड्स, और एक वोरा। तो ये दो बेबी निकली हैं, ये दोनों आपस में, यानी कि एक ही पैर की बेबी है, एक ये रहा, इसका पैर भी नीचे ही घूम रहा है, ये देखें फीमेल नीचे ही घूम रही है, और दूसरा जो बेबी है वो ये है, कहाँ गया, अब ऊपर आ गया है। ये देखें, ये दोनों बेबीज बाहर बैठे हुए, फीमेल भी नीचे ही घूम रही है, ये जो नीचे है ये फीमेल है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो फिंचे हैं इनकी माशाल्लाह से प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। बाकी जो है, आप इनकी सीड मिक्स जो है वो प्रॉपर दिया करें, इनकी सीड मिक्स से मुराद ये है कि आप इन्हें बारीक कंगनी दें, बारीक कंगनी में लाल कंगनी भी ऐड कर सकते हैं, और जो है कि आप इन्हें सॉफ्ट फूड दें, सॉफ्ट फूड में आप इन्हें धनिया दे सकते हैं, हफ्ते में एक आध बार पालक दे सकते हैं, ठीक है। और जब इनके बेबीज निकले होते हैं, इनके ताज़े ताज़े छोटे छोटे बेबी निकलते हैं, तब आप इन्हें बॉयल राइस भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, अगर आप इन पर थोड़ा ही केयर करेंगे तो आपकी जो फिंचे हैं उनके बेबीज मरेंगे भी नहीं, वो ब्रीड भी करेंगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और इससे आपको भी यानी कि जो शौक होगा आपका वो भी बढ़ेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, यही सारी बातें जी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड, जिन भाइयों ने काइंडली अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, लाइक करें, कमेंट करें, और बाकी व्यूवर्स जो न्यू व्यूवर हैं जो अपने दोस्तों को बताएं। फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्ला।